नहीं हो नीचे, ये तुम आए जहाँ से चलो। पुलिस वाले को पूछा तो तुम आए दिखा देते सामने। कमान ऊपर है भाई, ऊपर अभी ऊपर से बोला कि नीचे, ये सात कमान कहाँ मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंपानेर। रात को क्या मस्त नींद आई है, और ये जो नींद आती है ना, ये नींद मुंबई में रह के नहीं आती है, ये सिर्फ राइड करते हैं तो ही आती है, और ऐसा नींद चाहिए भाई जिंदगी में, मजा आ गया। ये बाहर का व्यू, बाहर का टेम्परेचर अभी ठंडा है, लेकिन ये ठंडा नहीं रहता है दोपहर को, दोपहर में गर्मी हो जाती है और इतनी गर्मी की चुभने लगे, बट अभी मौसम अच्छा है। अभी नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, उस लड़की को तो उठाना है। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? हो गया। गरम पानी पी ले। नो स्मोकिंग, प्लीज मेंटेन साइलेंस। आया बंद हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए जी, बफे सिस्टम में ब्रेकफास्ट है, यहाँ केले हैं, फ्रूट खत्म हो गया, पोहा है, पास्ता है, उपमा, पराठा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। देखो हमेशा की तरह पहले अटैक हो रहा है फ्रूट पे, ढोकला के साथ बम फोड़ेंगे अपन, और ये ब्रेड। ये मैंने मल्टीविटामिन्स लाया बहुत ही जुगाड़ू तरीके से, इसमें संडे 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 लिखा हुआ है, लेकिन मेरा हर दिन का जुगाड़ है इसमें। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हर चीज छोटे छोटे छोटी छोटी जगह पे आ जाए, तो उसके लिए ये जुगाड़ था। ये अच्छा है, ये अमेज़न पे मिलता है। अभी हम जहाँ पर रुके हैं वो एग्जैक्टली चंपानेर नहीं है, उससे थोड़ा सा पहले हम रुके हैं, तो हमारा जो प्लान है अभी वो ये कि हम गियर्स नहीं पहनेंगे, नॉर्मल कपड़े में जाएंगे, थोड़ा ही दूर है तो हम उसको विजिट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर वापस आएंगे, यहाँ पर गियर वेयर पहनेंगे, फिर हम अहमदाबाद की तरफ निकलेंगे। ये जो राइड है ना, इस राइड पे हम कच्छ कवर करने वाले हैं, ये कच्छ स्पेशल राइड है। लेकिन एक टाइम पहले हम ड्रीम ट्रिप करते थे, आपको याद है, जिसमें हमने आप सभी को बोला था इंडिया के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम विजिट करेंगे, और गुजरात में भी कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से एक साइट है चंपानेर में। तो जहां पर भी हम घूमने के लिए जाएंगे, अगर वहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। मैंने ड्रीम ट्रिप कैंसिल किया, लेकिन कैंसिल करते टाइम आपको मैंने बोला था कि जितनी भी साइट है वो तो मैं विजिट करूंगा। चेकआउट हमने कर लिया है, और सारा जो सामान है वो हमने यहाँ रख दिया है, पैनियर्स वहाँ पर है, टॉप बॉक्स में लेके जाऊंगा, बाकी सबके सामान यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, बस हेलमेट लेना है। इसको पकड़िए, ये सिस्टम पहले आपने देखा है? नहीं। पानी ऐसे लोग कैरी करते हैं। हेलमेट को सीट पे रखने की दोबारा गलती नहीं है। टॉप बॉक्स में क्या ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कपड़े से ढक के रख दिया है, ये कैमरा है, आजकल ज्यादातर व्लॉग मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कैमरा ले लेते हैं, पानी है, पावर बैंक है, दैट्स इट। टॉप बॉक्स लेने का जो मेन रीजन है वो ये कि हेलमेट जो है मैं रख दूं, ताकि हेलमेट लेके घूमना ना पड़े। तुम लोग कहाँ रखेंगे हेलमेट लेके घूमेंगे? घूमना तो पड़ेगा, निकलते हैं जी। इससे पहले सर पे पहनने का बारह क्लावा भूल गया था, अब मैं भूल गया हूँ मेरा वो माउंट जिस पे मोबाइल लगेगा, मिल गया। 14 किलोमीटर है यहाँ से, चलिए गैंग मंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे विंटर हो या समर, यू शुड हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ सनस्क्रीन, और ये रोज लगाना चाहिए, स्पेशली इन समर। इसीलिए मुझे एक्वालॉजिका ने भेजा है यूनिक वाटर टेक्नोलॉजी से बना रेडियंस प्लस डीओवी सनस्क्रीन एसपीएफ 50+, जो आपको प्रोटेक्ट करता है यूवीए, यूवीबी एंड ब्लू रेज से। इसमें वाटरमेलन की फ्रेशनेस के साथ है नियासिनामाइड, जो सन टैन से बचाता है, और हायलुरोनिक एसिड, जो स्किन को हाइड्रेट करके स्किन टेक्सचर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये एकदम लाइट वेट और नॉन स्टिकी है, इसको लगाने के बाद स्किन पे व्हाइट कास्ट भी नहीं आता, ये कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री एंड कलर फ्री भी है। अगर आप एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो मेरा कूपन कोड MSK2023 याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 20% का ऑफ एक्वालॉजिका.in पे। ये प्रोडक्ट आपको नाइका और अमेज़न पे भी मिल जाएगा। अगर आप एक्वालॉजिका के वेबसाइट से कुछ परचेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे किसी को आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक आउट। गुजरात में चंपानेर जो जगह है वो इतिहास का खजाना है जी। यहाँ पर जो यूनेस्को साइट है उसका पूरा नाम है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, और इस पार्क में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, स्टेप वेल है, और चंपानेर एक परफेक्ट एग्जांपल है सेक्युलरिज्म का। तो वहाँ पर जब चलेंगे तो आपको बताएंगे, बाकी मजे आ रहे हैं, धूप धूप आ गई है ये भैया। जब हम ट्रिप करते हैं बाइक पे तो हमारी कुछ लिमिटेशन हो जाती है, मज़ा तो बहुत आता है
लिमिटेशन ये है, जैसे अभी हम गियर पहन के नहीं जा रहे, अगर हम गियर पहन के जाते हैं और होटल से सारा सामान अपना लेके जाते हैं ना, तो बाइक को हम कहीं पे फिर पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक बैग होता है, टेल बैग है, चांसेस है कि कोई निकाल ले, तो फिर ऐसे ऑल्टरनेट हमें प्लान बनाना पड़ता है। ये टाइगर जो है ये बड़ी बाइक है, अगर वहाँ पर कहीं मैं पार्क कर दूंगा तो लोग आके इस पे बैठेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब लोग आके बैठे हैं और लेकिन वो अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे सामने करे तो अच्छा लगता है, पीठ पीछे अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे पास एक भी सुपर बाइक नहीं थी, मेरी पहली सुपर बाइक मैंने खरीदी थी R1, वो खरीदने से पहले ना मरीन ड्राइव पे एक बंदा R1 लेके आया था और उसने ऐसे पार्क किया था, और उस R1 को मैं घूर घूर के देख रहा था, और जिसका R1 था उसने भी मुझे देखा। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी की बाइक पे ऐसे बिना बोले मैं बैठ जाऊँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं पूछूं कि भाई कितने का है, बस मैंने फिर उसको घूर घूर के देखा, फिर वहां से चले गया। अभी जब ऐसे सुपर बाइक्स को लोग देखते हैं, मैं उस फीलिंग को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी उस जगह पे था। तो आज मेरी सुपर बाइक को कोई देखेगा घूर घूर के, फिर इंस्पायर होके वो भी लेगा, फिर जब वो ले लेगा तो उसको देख के कोई और इंस्पायर होगा, तो इसी तरह से ये इंस्पिरेशन की स्टोरी चलती रहनी चाहिए। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है चंपानेर का गेट। जैसे ही गेट से हम अंदर आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं चंपानेर में। ये देखिए जी, हेरिटेज साइट्स, कोई किला लग रहा है ये। ये जितने भी आप पब्लिक देख रहे हैं ये सारे भक्त हैं, ये दर्शन के लिए आए हैं। पावागढ़ वेलकम। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पावागढ़ महाकाली मंदिर है, सब उसके लिए जा रहे हैं। मंदिर तक जाने के लिए रोड अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी चढ़ना पड़ता है मंदिर तक पहुंचने के लिए, या फिर केबल कार लेके जा सकते हैं, लेकिन केबल कार लेके जाएंगे तो भी लगभग 300 स्टेप्स तो फिर भी चढ़ने पड़ते हैं। और जो महाकाली टेम्पल है वो भी चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट में इंक्लूडेड है। ऐसे रास्ते में कुछ कुछ साइट्स हैं जो टूट फूट चुके हैं, बट देख के लग रहा है कि ये काफ़ी सालों पुराना है, मेरे ख्याल से 8th से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में होगा। वक्त की कमी के वजह से हम महाकाली मंदिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत चलना है और हमारा काफ़ी समय जाएगा। हमें अहमदाबाद भी जाना है, और हमारा जो मेन राइड है, जो मकसद है इस राइड का, वो कच्छ है। ये तो बस ऐसे ही हम विजिट करने आ गए, क्योंकि हमने कभी तो आपसे कहा था। अरे भाई साहब, सात कमान कैसे जाएंगे? सात कमान नहीं पता। अरे भाई साहब, यहाँ पर सात कमान कैसे जाएंगे? वो ऐसे ऐसे है ना मॉन्यूमेंट, वो नीचे है क्या? वो कितना नीचे है? ये मैप गलत बताया, मतलब पूछ पूछ के जाते हैं, मैप के भरोसे नहीं रहते। ये आपको चाहिए ना? हाँ, ये किधर है? ये नीचे है। नीचे है ना? ये ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है। तुम आए जहाँ से? हाँ हाँ हाँ। पुलिस वाले को पूछा तो वहाँ दिखा देते सामने, वहीं पे ही है। अरे चलो ठीक है, शुक्रिया। यू टर्न ले लो बाबा। तो यहाँ पर ऊपर आने का कोई गम नहीं है जी, क्योंकि आते वक्त हमें जो कर्व्स मिले हैं और जो हमने कॉर्नरिंग किया है, मज़ा आ गया। हमें गूगल ने रास्ता भटकाया नहीं होता तो हमें ये कर्व्स का एंजॉय करने नहीं मिलता, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बट आप गाड़ियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं। अब मैं लोगों से पूछूंगा, ये फ़ोटो दिखा दिखा के बताइए कि ये कहाँ है। भाई जी, यहाँ पर सात कमान कहाँ पर है? नहीं मालूम। सात कमान कहाँ पर है? सात कमान ऊपर है भाई। ऊपर? अभी ऊपर से बोला कि नीचे है। सात कमान पे जाना है ना? हाँ, ये वाला फोटो पे जाना है। ऊपर नहीं है ये वाला, रास्ते में ये सात कमान। रास्ते में ये सात कमान कहाँ मिलेगा? अभी देख ले, 3 किलोमीटर जाओ अभी से। 3 किलोमीटर ऊपर। अभी ऊपर से उन्होंने बोला नीचे कमान है। हाँ, ये वाला यही। हाँ, उस साइड दिखेगा, उस साइड दिखेगा, इस साइड। ठीक है, वो चालू करके जाओ तुम, लाइव लोकेशन। वो चालू करके गया था, ऊपर गलत पहुंचा दिया उन्होंने। ना, तो मंदिर के पास गए तो उन्होंने बोला कि नीचे है। यहाँ से 3 किलोमीटर जाने के बाद दाबी साइड पे बोर्ड आएगा। हाँ हाँ, सामने चाय की लारी होगी ऐसा झोपड़ा। अच्छा ठीक है, चलो शुक्रिया। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये जी बवावन मस्जिद। जब नीचे हमने पूछा था, उसने कहा था कि बाबामन मस्जिद के आगे आपको मिल जाएगा। अभी इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि और 4 किलोमीटर जाएगा, तो रास्ते में ये मस्जिद पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि मस्जिद देख ले, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। यहाँ से देख के कोई भी नहीं बोलेगा ये मस्जिद है, ऐसा लग रहा है कि ये मिक्सर है मस्जिद और मंदिर का। तो मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था ना कि परफेक्ट एग्जाम्पल है सेक्युलरिज्म का, वो यहाँ पर है।
यहाँ से हम होके गए थे, हमें लगा कि आज हम देख ही नहीं पाएंगे सात कमान को। यहाँ से होके जा सकते हैं लेकिन बंद है ये, अंदर जा नहीं सकते। ढूंढ ढूंढ के हमें मिल तो गया लेकिन कह रहे कि अंदर मेंटेनेंस का काम चालू है इसलिए जा नहीं सकते। उसके लिए हम दो बार ऊपर आए। शिट। लेकिन यार वो अंकल ने हमें यार गलत बता दिया यार। चलो भाई इतना ऊपर नीचे करके कुछ फायदा हुआ नहीं। एक गधे। देखो जी सात कमान तो हम जा नहीं पाए लेकिन आपको स्टॉक फुटेजेस में से अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखा देंगे। क्या खबर लाए हो? ऊपर से खाली व्यू पॉइंट है ना, कुछ ज्यादा है नहीं ना। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, कल वाले वीडियो का मैं कमेंट पढ़ रहा था और ज्यादातर कमेंट जो थे वो थे MSK is back। मुझे नहीं पता MSK is back or not, but जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था उन लोगों ने इस उम्मीद से किया था कि मैं कंटेंट डालूंगा, अच्छा कंटेंट डालूंगा। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उनकी उम्मीदों पर खरे उतरू और आपको रेगुलर कॉन्टेंट दू। एंड कल वाले वीडियो को जो आपने सपोर्ट दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एंड मैं दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये 2022 में उस तरह से कंटेंट आपको नहीं दिया जिस तरह से आप देखना चाहते थे। बट हर इंसान अपनी लाइफ में सीखता है, मैं भी सीख रहा हूँ, जिंदगी भर सीखते रहना चाहता हूँ। गलती करने से मैं डरता नहीं हूँ, मैं गलती भी करना चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ, आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि जो सपोर्ट जो प्यार आप कर रहे हैं बस उसी तरह से सपोर्ट करते रहे और थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। बाकी व्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। चंपानेर हमारा इस राइड में आने का कोई प्लान नहीं था। अरे यार क्या हो रही है।